ये हैं पुलों के ऊपर देखे गए पांच अनोखे नजारे। किसी सड़क या ब्रिज पर ट्रैफिक की वजह से आपने मोटर बाइक्स को फंसे हुए देखा होगा, पर एक ब्रिज के नीचे किसी हवाई जहाज को फंसे हुए देखना रोज रोज नहीं मिलता। बीते साल पश्चिम बंगाल के जिले दुर्गपुर में ऐसा ही नजारा देखने को मिला। एक भारतीय डाक विभाग का पुराना जहाज था जिसे ट्रेलर पर लाद कर कोलकाता से दुर्गपुर ले जाया जा रहा था, पर ट्रेलर के ड्राइवर को शायद उस जहाज की सही ऊंचाई का अंदाजा नहीं था। यही वजह रही कि दुर्गपुर के एक पुल के नीचे ये जहाज फंस गया, जिसके कारण मौके पर ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन गई। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई और फिर इसे निकालने के लिए मौके पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों को भेजा गया। अगर आप हमारे चैनल के नियमित दर्शक हैं तो आप जरूर जानते होंगे कि दुनिया में बकरियों की ऐसी खास प्रजाति है जो कि खड़ी पहाड़ियों पर स्पाइडरमैन की तरह चढ़ाई कर लेती है, लेकिन कभी कभार कुछ साधारण नस्ल वाली बकरियां भी इस तरह का स्टंट करने की कोशिश करती है और फिर बुरे हालातों में फंस जाती है। पेंसिल्वेनिया में एक ऐसी घटना देखने को मिली जहां दो बकरियां किसी तरह से एक ब्रिज के ऊपर चढ़ तो गई, पर वापस नीचे उतरना उनके लिए मुश्किल हो गया। खुशकिस्मती से समय रहते किसी की नजर ब्रिज के बीम पर फंसे इन मासूम जानवरों पर पड़ गई, जिसके बाद यहाँ एक रेस्क्यू मिशन चलाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यहाँ ये बकरियां तकरीबन 18 घंटे से फंसी हुई थी, जिनको काफी मशक्कत के बाद एक क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। बहुत से ब्रिज के ऊपर गाड़ियों के साथ साथ पैदल चलने वालों को ध्यान में रखकर एक अलग से पेडेस्ट्रियन जोन बनाया जाता है जो कि सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए होता है। वहां मोटर बाइक्स नहीं चलाई जा सकती, लेकिन न्यूयॉर्क के कार ड्राइवर को शायद इन बातों की जानकारी नहीं थी। यही वजह रही कि उसने पेडेस्ट्रियन जोन में अपनी कार चलाई और इस बेहद संकरी जगह पर फंस गया। ये कार यहाँ कुछ इस तरह से फंसी कि ड्राइवर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना भी मुमकिन नहीं था। पुलिस अनुसार यह हादसा रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास हुआ और कार चलाने वाला ड्राइवर खिड़की का कांच खोलकर फरार हो गया। बाद की शिनाख्त में पता चला कि एक दिन पहले ही इस कार के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, यानी आप इसे कुदरत का इंसाफ कह सकते हैं। अपने नीचे से नावों व जहाजों को गुजरने का रास्ता देने के लिए दुनिया भर में कई ड्रॉ ब्रिज बनाए गए हैं। इस तरह के ब्रिज को आपने बहुत सी बार फिल्मी पर्दे पर या वीडियो गेम्स में देखा होगा, जिनके ऊपर से कमाल के कार स्टंट करते हुए दिखाए जाते हैं। गेम्स या फिल्मों में इस तरह के स्टंट भले ही शानदार लगे, लेकिन हकीकत में ऐसा करना घातक साबित हो सकता है। भाग्यवश ऐसा एक स्टंट फ्लोरिडा के एक सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और इस स्टंट की एंडिंग बुरी नहीं रही। यहाँ एक कार बिना रुके प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ते हुए ऊपर उठते ब्रिज को क्रॉस करते नजर आई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान किसी भी तरह का हादसा नहीं हुआ, क्योंकि अभी यह ब्रिज पूरी तरह से ऊपर नहीं उठा था। पुलिस ने पूछताछ में पाया कि ड्राइवर ने इस स्टंट को जानबूझकर नहीं किया, दरअसल यहां कुछ देर के लिए उसकी नजर रास्ते से हटी और यह हादसा हो गया। जुलाई 1940 में वॉशिंगटन का टकोमा ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जिसे दुनिया का सबसे फ्लेक्सिबल ब्रिज कहा जा रहा था। इसे बनाने वाले इंजीनियर्स को पूरा यकीन था कि ये अब तक का सबसे शानदार ब्रिज है, लेकिन महज 4 महीने बाद ही नवंबर 1940 में ये पुल धराशायी होकर गिर पड़ा। 7 नवंबर 1940 को यहाँ तेज हवा के झोंके आए और ये पुल कागज के पन्नों की तरह लहराने लगा। इस दौरान कैमरा बहुत कम लोगों के पास थे, लेकिन फिर भी एक लोकल कैमरामैन ने इस ब्रिज के गिरने का अद्भुत नजारा कैमरे में कैद कर ही लिया और यह आज तक का किसी ब्रिज के गिरने का सबसे घातक दृश्य माना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।